वंदे मातरम मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता पढ़ूंगा। अगर ये कविता में सच्चाई दिखती है तो इस कविता को सुनिए और शेयर करिए, और ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वंदे मातरम मित्रों, कोना कोना जाग उठेगा युवा अगर अगड़ाई लो, कोना कोना जाग उठेगा युवा अगर अंगड़ाई लो, पाक भी हिंद बनेगा फिर से युवाओं अगर तुम लड़ाई लो, कोना कोना जाग उठेगा युवाओं अगर तुम अंगड़ाई लो, पाक भी हिंद बनेगा युवाओं अगर तुम लड़ाई लो। गांधी नेहरू तो बांट गए थे हिंदुस्तान को, पर अंबेडकर ने बांट गया पूरे हिंदू समाज को। गांधी नेहरू तो बांट गए थे हिंदुस्तान को, पर अंबेडकर ने बांट गया पूरे हिंद समाज को। काश एक गोड़ से और होते जो अंबेडकर के सीने में भी तमंचा सीधे दाग जाते, काश एक गोड़ से और होते जो अंबेडकर के सीने में भी तमंचा दाग जाते, तो ये हमारे देश के घटिया राजनेता, तो हमारे देश के घटिया राजनेता आज हमारे समाज को ना बांट पाते, तो शायद ये आज के घटिया राजनेता हमारे समाज को ना बांट पाते। गोड़से को यकीन था आने वाले समय में सिंध नदी तिरंगे के नीचे होगी। गोड़से जी को युवाओं पर इतना भरोसा था, इतना यकीन था कि आने वाले टाइम पे तिरंगे के नीचे सिंध नदी को जरूर ले आएंगे। उनकी बलिदान व्यर्थ नहीं होगी। गोड़से को यकीन था कि आने वाले समय में सिंध नदी तिरंगे के नीचे आएगी, आने वाली पीढ़ी सिंध नदी को तिरंगे के नीचे लाएगी। लेकिन अगर उन्हें ये पता होता कि आने वाली पीढ़ी में गद्दार ही पैदा होंगे, अगर उन्हें ये पता होता कि आने वाली पीढ़ी में गद्दार ही पैदा होंगे तो शायद सिंध नदी का जिक्र वो कभी नहीं करते। इन गद्दारों के बीच एक ही कोई देशभक्त हो पैदा हो जाए, इन गद्दारों के बीच में कोई एक देशभक्त ही पैदा हो जाए जो शायद सिंध नदी को तिरंगे के नीचे लाए। इन गद्दारों के बीच एक ही देशभक्त पैदा हो जाए जो शायद सिंध नदी को तिरंगे के नीचे ले आए। जिस दिन तिरंगे के नीचे सिंध नदी का पावन पानी बहने लगेगा, उस दिन से गोड़से के अस्थि कलश का इंतजार खत्म हो जाएगा। जिस दिन सिंध नदी का पावन पानी तिरंगे के नीचे बहने लगेगा उस दिन गोड़से के अस्थि कलश का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। युवाओं, आप सभी जानते हैं कि हमारे गोड़से जी का आज भी अस्थि कलश रखा हुआ है, इस इंतजार में रखा हुआ है कि आज नहीं तो कल ये युवा संघर्ष करेंगे और ये युवा पाकिस्तान से अपना सिंध नदी ले लेंगे और उसी सिंध नदी में हमारी अस्थि को प्रवाहित करेंगे। लेकिन हमारे देश के ऐसे गद्दार नेता हैं जो आज हमें जातियों में हमारे समाज को ही बांट दिए और अपनी राजनीति के चक्कर में देश को गुलाम बना के चले जाएंगे, और युवाओं तुम आज नहीं तो कल गुलाम बन जाओगे। गोड़से जी को इतना यकीन था अपने देश के युवाओं पर कि वो इतना यकीन से ये कह के गए थे
कि मेरे अस्थि कलश को तभी प्रवाहित करना सिंध नदी में जब तिरंगे के नीचे यह सिंध नदी बहने लगे। तो युवाओं, ये जिम्मेदारी आपकी है। आज 70 साल से गोडसे जी की अस्थि कलश इंतजार कर रही है कि कब तिरंगे के नीचे हमारी सिंध नदी आए। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर भी हम लेंगे और सिंध नदी भी हम लेंगे। बस देर है किसकी, बस एक देशभक्त पैदा होने की। जिस दिन वो देशभक्त सामने आ गया, उस दिन से नेता भी उससे थर्राएंगे और पाक और सिंध नदी भी तिरंगे के नीचे आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत मित्रों। अगर ये कविता आपको लगी हो तो कृपया ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसे फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।